द कश्मीर फाइल में कृष्ण पंडित का रोल निभाने वाले दर्शन कुमार के दिमाग पर इतना गहरा असर पड़ा कि वो डिप्रेशन में आकर अकेले में बड़बड़ाने लगते थे, रातों में नींद से उठकर बैठ जाते थे। फिल्म साइन करने से लेकर इसे शूट करने तक दर्शन का सफर काफी दर्दनाक रहा, जिस पर उन्होंने एक इंटरव्यू में खास चीज बातचीत में बताया। दोस्तों बता दें कि मुझे कास्टिंग डायरेक्टर तरण बजाज का कॉल आया कि विवेक रंजन मुझे फिल्म में लीड रोल देना चाहते हैं। मैं विवेक और पल्लवी जी से मिला और उन्होंने मुझे तकरीबन एक घंटे का वीडियो दिखाया, जिसे उन्होंने देश दुनिया में घूमकर पीड़ितों के वीडियो बनाए थे। उसे देखकर मैं सन रह गया, कुछ बोल ही नहीं पाया। उन्होंने कहा कि आपकी कंडीशन मैं समझ सकता हूँ, एक काम कीजिए, आप स्क्रिप्ट लेकर जाइए और पढ़कर फैसला लीजिए। स्क्रिप्ट में जो जो बातें और दर्द लोगों ने बयां किया, उन चीजों को डायलॉग में पिरो कर रखा गया है। इस फिल्म को करने का यही मेरा रीजन रहा। बता दें वीडियो देखकर ही दिल दहक गया। जी हाँ, जैसे ही वीडियो स्टार्ट हुआ पहले ही सीन में देखकर मैं रोने लग गया। कई फैमिली अपने बारे में बता रही कि एक जगह पति को मारकर खून से सने चावल को उसकी पत्नी को खिलाया गया, जिसे देखकर दिल दहल सा गया। बता दें कि स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद से लेकर फिल्म करने तक 2 महीने की जर्नी में रही। मैं जिस दिन वीडियो देखा था उस रात को बिल्कुल सो ही नहीं पाया। मैंने स्क्रिप्ट भी पढ़ी, वहाँ से लेकर फिल्म करने तक मुझे याद नहीं कि किसी रात को ढंग से सो पाया हूँ। कई बार ऐसा हुआ कि मैं खुद से बड़बड़ाने लग गया था। मुझे लगा कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। मैं छोटी सी बात पर इरिटेट हो जाता था, किसी को कुछ भी बोल देता था। किरदार से निकलने में मुझे 2 महीने लगे। जी हाँ, इससे उभरने के लिए मैंने मेडिटेशन का सहारा लिया। तो दोस्तों ये जो था वो कृष्ण पंडित का कुछ ऐसा हाल हुआ था। तो दोस्तों इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट में बताएं। चैनल पर नए हैं तो फ्यूचर तक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।